हेलो दोस्तों, मैं आपका ट्रबल शूटर। तो जैसे देख सकते हैं, ये मेरा नहीं किसी और का मोबाइल है जो इन्होंने सैमसंग का डिवाइस है जो इन्होंने फाइनेंस करवा के परचेस किया है। लेकिन दिक्कत क्या हुई थी कि इनके मोबाइल में डिस्प्ले टूट गई थी, तो इन्होंने एक महीने से ऊपर अपने मोबाइल को यूज़ नहीं किया और अभी जाके इन्होंने अपनी डिस्प्ले लगवाई है। डिस्प्ले मतलब पूरा फोल्डर लगवाया, टच एंड डिस्प्ले। तो देख सकते हैं इस मोबाइल में क्या ऑप्शन आ रहा है। आपका मोबाइल लॉक कर दिया है क्योंकि आपका मोबाइल जो है ऑफलाइन था, कनेक्ट नहीं था, ऑनलाइन नहीं था 30 दिन तक। अगर 30 दिन तक आपका मोबाइल कनेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि ये फाइनेंस का फ़ोन है, इसकी EMI चल रही है। अगर कोई बंदा फ़ोन रख देगा तो अगर वो तो यूज़ नहीं करेगा 3 महीने, तो सोचेगा बंदा कि फाइनेंस वालों को प्रॉब्लम हो जाएगी, बजाज फाइनेंस को, सैमसंग फाइनेंस को प्रॉब्लम हो जाएगी कि उनका फ़ोन बंदा यूज़ भी कर रहा है इस तरह से। तो इसलिए वो लॉक लगा देते हैं एक महीने बाद अगर कोई बंदा ऑनलाइन कनेक्ट नहीं करता, कि बंदा ऑनलाइन नहीं कनेक्ट करके मोबाइल आराम से चला रहा है, इसलिए बंदा फ़ोन लॉक हो जाता है उनका। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो और यहाँ पे क्योंकि इसमें कहा गया है कि आपका फ़ोन जो लॉक हो गया था 30 डेज से ऊपर, तो आपको कनेक्ट करना है वाईफाई से या डेटा से। लेकिन आप कहीं पे भी चेक करेंगे तो आपको कहीं पे भी ऑप्शन नहीं आएगा आपको डेटा कनेक्ट करने का या डेटा ऑन करने का। आप कहीं पे भी, जैसे मैं यहीं पे जाता हूँ, यहाँ पिन डालने का ऑप्शन आ रहा है, जैसे बजाज फाइनेंस पे जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे ये EMI किस्त ये सब ऑप्शन आ जाएगा इसका कि क्या है, कि नेटवर्क एरर ये सब आ जा रहा है। लेकिन कहाँ से इसको डेटा कनेक्ट करना है वो कन्फ्यूजन शो नहीं हो रहा, ना वाईफाई का कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे सपोर्ट में यही सब दिखाएगा। उसको कैसे ओपन करना है जानने के लिए इस वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको चार ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पिन पे जाइएगा तो पिन पे आपको कुछ पिन एंटर करने को बोल रहा है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ जो पहले पास की यहाँ पे शो कर रही थी, अगर उसको मैं टाइप करूँ, जैसे पास की है इसको मैं कहीं नोट डाउन कर लेता हूँ, मैं कहीं पे वही मैं यहाँ पे आके वापस टाइप करने की कोशिश करता हूँ, यहीं पे वही मैं टाइप करता हूँ, वही पास की जो है नंबर वही मैं टाइप करता हूँ। लेकिन ये डिसेबल, ये काम नहीं करता है, ये डिक्लाइन हो जाता है, मतलब ये पिन नहीं है। देख सकते हैं ये वही मॉल है जो अब अनलॉक हो गया है, मतलब जो आपको पहले दिखा रहा था ये लॉक हो गया था, क्योंकि 30 दिन तक इसमें कोई ऑफलाइन कनेक्शन नहीं था। लेकिन जो अब अनलॉक हो गया, तो कैसे अनलॉक हुआ है ये आप कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में आपको फुल डिटेल बता रहा हूँ मैं। दरअसल ये ऐसे लॉक नहीं होगा, आपको जो पहले इंटरफेस जो दिखाया था, जो आपको दिख रहा है, वो लॉक अनलॉक करने के लिए आपको कॉल करनी पड़ेगी किसको, सैमसंग फाइनेंस को आपको कॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना ये काम नहीं बनेगा। आपको जो लॉक स्क्रीन दिख रही है सामने, वो दरअसल बात ऐसी है ना कि ये 30 दिन लॉक हो गया, लेकिन ऐसे जो आपको ऊपर जो पिन दिख रहा है, जो आपको दिखा दूँ, ये पिन मैंने एंटर करके डाला, पिन ऊपर जो पास की दिख रही है यहाँ पर पिन में डालेंगे तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सैमसंग फाइनेंस का नंबर आपको मैं दे दूंगा आपको, या फिर आपको नीचे सपोर्ट में जाएंगे तो आपको सैमसंग फाइनेंस का नंबर दिख जाएगा। आप उसके ऊपर कॉल करेंगे तो उन्हें अपनी पूरी कंडीशन बताइएगा, मैं मोबाइल में ये प्रॉब्लम थी या मैं डिस्प्ले टूट गई, आपको जिस कारण आप 30 दिन तक अपना मोबाइल एक्सेस नहीं कर पाए, वो आपको बताना है। जैसे मैंने उनको बताया, तो जैसे आपको मैं रिकॉर्डिंग सुना भी दूंगा, लेकिन अभी मैं खुद बता रहा हूँ, तो मैंने उनको बताया कि मैं 30 दिन तक अपना मोबाइल एक्सेस नहीं कर पाया क्योंकि मैं डिस्प्ले टूटी हुई थी। तो अब सही कराया, तो उन्होंने बताया कि अच्छा आपको क्या शो हो रहा है, तो मैं बताया कि मैं भाई कनेक्ट करने के लिए शो हो रहा है, तो क्या आप नेट से कनेक्ट करिए, मैं कहा लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रहा क्योंकि वहाँ पे मेरे को हॉटस्पॉट या वाईफाई का कहीं ऑप्शन शो नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा एक काम करिए, तो मैंने कहा कह रहा और क्या सामने दिख रहा है, तो मैंने उनको बताया कि सामने पिन का ऑप्शन शो कर रहा है, तो पिन का ऑप्शन शो कर रहा है, तो कह रहे हैं आप एक काम करिए। उन्होंने मेरे को एक पिन बताया, स्पेशली एक पिन, वो जो ऊपर पास के दिख रहे हैं वो नहीं, उन्होंने एक नया पिन बताया जो मेरे को कब पता चला, जो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे एक जिस बंदे का मोबाइल है उसने लोन पे लिए फ़ोन लिया है, तो अगर आपने फ़ोन लोन पे लिया होगा तो आपको एक लोन आईडी मिली होगी, लोन आईडी वो सामने दिखती है DMI नाम से होती है स्टार्टिंग। अगर आप वो उस आईडी को उस कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को बताएंगे तो वो आपको एक पिन बताएगा, उस पिन को आप वो चेक करके आपको पिन बताएगा, वो आपको अपने पिन में एंटर करना पड़ेगा। जैसे ही आप पिन एंटर करेंगे और डन पे क्लिक करेंगे, वो कहते हैं 10 अंकों का पिन होता है, वो डन पे क्लिक करेंगे तो वो आपका मॉल खुल जाएगा। अब पैटर्न को ड्रॉ करके वापस अपना अनलॉक कर सकते हैं डिवाइस, और फिर आप नेटवर्क से कनेक्ट कर लीजिए, ऑनलाइन डेटा कनेक्शन ऑन कर लीजिए या वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिए, आपका मॉल बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा जैसे फ़ोन स्टार्टिंग में था। और ये सब बताने के बावजूद अगर आप सुनना चाहते हैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की बातें जो उन्होंने मेरे को बताई कि कैसे करना है, तो आप सुन लीजिए, रिकॉर्डिंग में डाल दे रहा हूँ। आईडी बता दीजिए, लोन आईडी। ओके सर, 5 सेकंड चेक कर रहा हूँ, वापस लॉक अनलॉक कर रहा हूँ, तो वहीं पे सर पिन का ऑप्शन आ रहा है कि नीचे पिन डालने का ऑप्शन आ रहा है सर, वहाँ पे पिन का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहिए, फिर तो अभी अनलॉक हो जाएगा आपका डिवाइस। पास की बता दीजिए, वहाँ पे क्या लिखा हुआ रहा है, नंबर जो लिखा हुआ रहा है वो 924 924, बिल्कुल उसमें एंटर कर दीजिए आप 4271164271639। ओके कर दीजिए आप, डन हो गया सर। अब अच्छा आप लॉक है सर, हाँ थैंक यू सर। तो जैसे कि हमने सुन लिया हो कि उन्होंने क्या कहा और कैसे सॉल्व हुई है, तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, अगर आपका मोबाइल अनलॉक हो गया हो,
तो वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को शेयर करिए जिसको इसकी नीड हो, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही कोई आपको इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाली है।